नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ऐतिहासिक तस्वीर की साझा। पर्यावरण नियमों में फंसा सेंट्रल विस्टा एग्जीक्यूटिव एनक्लेव। सिया ने सीपीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को 8 महीने बाद भी नहीं दी मंजूरी। नए भवन में हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। अंतिम चरण में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम। बिहार में नई सरकार में तय हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा। आरजेडी को मिल सकते हैं अहम विभाग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा हादसा टला। सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। असम में खुला पहला ड्रोन स्कूल। भारत को बनाया जाएगा ड्रोन तकनीक का हब। पीएम मोदी का सपना होगा साकार। एचडी कुमार स्वामी ने केपीसीसी अध्यक्ष शिव कुमार पर कसा तंज। ध्यान देने की दी सलाह। असम और मिजोरम ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त बयान किए हस्ताक्षर। अक्टूबर में होगी पहली बैठक। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट अपलोड कर से मिल सकती है छूट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। व्हाट्सएप ग्रुप से निकलना होगा आसान। कंपनी ने नियम में किया बदलाव। अपराधियों के लिए देश से भागना अब होगा और मुश्किल। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बनाए नए नियम। उर्दू, असमिया और मलयालम में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। AICTE ने पाठ्यक्रम तैयार करने की दिखाई तेजी। बिहार में फिर महागठबंधन सरकार। बड़े लक्ष्य को साधने के लिए एनडीए से अलग हुए नीतीश। शियद में बड़े उथल पुथल की तैयारी। सुखबीर बादल के खिलाफ बगावत के संकेत। असंतुष्ट नेता कर रहे बैठक। जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक क्रांति का केंद्र बना कठुआ। बड़ी कंपनियां लगाएंगी उद्योग। 60,000 को मिलेगा रोजगार। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ। भाजपा शासन में कानून की नजर में सब एक बराबर। एयर पॉल्यूशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त बोले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार की जाए परियोजना। गोरखपुर के फरार हिस्ट्री शीटर का दीवान पर पुलिस ने घोषित किया इनाम। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों पर होगी धनवर्षा। गोल्ड विजेता को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सीएम योगी बोले अमन अनुशासन और शालीनता के साथ बांटे तिरंगा। बाइक तिरंगा यात्रा को दिखाई सीएम ने हरी झंडी।
गाजीपुर में समाजवादी तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत, राम गोविंद चौधरी ने यात्रा को किया रवाना। आगरा में आरपीएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत। बलिया में अस्पताल में दो पक्ष आपस में भिड़े, पुलिस ने मामले को कराया शांत। बरेली में हादसे में मजदूर हुए घायल, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, लिंटर नीचे गिरने से हुआ हादसा। गाजीपुर में 60 फीट ऊंचा ताजिया बना आकर्षण का केंद्र, उतराव गांव में निकाला गया ताजिया, परंपरागत रूप से मना नोएडा या मुहर्रम। श्रीकांत त्यागी का वीडियो हुआ वायरल, महिला से मांग रहे थे माफी, महिला को बताया अपनी बहन। शाहजहापुर में पीसीएफ के चेयरमैन पहुंचे शाहजहापुर, डीसीबी चेयरमैन ने किया स्वागत सम्मान। शाहजहापुर जनपद में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, भाजपा नेता ने निकाली तिरंगा यात्रा। सोनभद्र में पुलिस ने आम लोगों को बांटे राष्ट्रध्वज, जनपद में मनाया जा रहा अमृत महोत्सव। सोनभद्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया गया अभियान, दो तस्कर हुए गिरफ्तार। प्रयागराज में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर झुलसे लोग, झुलसे हुए लोगों में चार की हालत नाजुक, ताजिया लेकर जा रहे थे लोग। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट, कई राउंड की गई फायरिंग। देश में चल रहा हर घर तिरंगा अभियान, जिला पंचायत अध्यक्ष ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, आजादी के बलिदान में हुए महापुरुषों को किया याद। औरैया में भाजपा ने निकाली हर घर तिरंगा रैली, मां दुर्गा मंदिर से की गई रैली की शुरुआत, थाना अध्यक्ष भी रहे रैली में मौजूद। बुलंदशहर में गेट काटकर चोरी हुआ सामान, पुलिस ने किया एक घंटे में सामान बरामद। हरदोई में मजदूर को पीट पीट कर की गई हत्या, गले पर रस्सी के मिले निशान, जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में नगर पालिका अध्यक्ष ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में लोगों ने लिया रैली में हिस्सा। कानपुर में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा, युवक को बेरहमी से पीटा, पिटाई से युवक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में मनाया गया आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, पंचायत राज्य मंत्री ने किया यात्रा का शुभारंभ। अलीगढ़ में मजदूर के साथ मारपीट करने वाले नेता पर केस दर्ज, पुलिस ने नेता को हिरासत में लिया, मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। अयोध्या में गौशाला बनी मवेशियों की कब्रगाह, भूख प्यास से मर रहे मवेशी, गुस्साए ग्रामीणों ने गौशाला पहुंचकर किया प्रदर्शन।
बुलंदशहर में मुहर्रम ताजिया के जुलूस के दौरान हुआ हादसा, परिषदीय स्कूल का छज्जा गिरा, हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। देवरिया में एसटीएफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तेंदुए की खाल का व्यापार करने वाला एक तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती थी वन्य जीवों की तस्करी। फरुखाबाद में राजपुर में कावड़ियों पर हुआ हमला, कावड़ियों पर दबंगों ने की पत्थरबाजी, दबंगों के हमले में कई कावड़िये हुए घायल। गोंडा में चली तबादला एक्सप्रेस, पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर का एक्शन, एक उपनिरीक्षक और सात मुख्य आरक्षियों को आरक्षियों के हुए तबादले। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को मिली जमानत, एमपी एमएलए कोर्ट से मिली जमानत, सीजीएम कोर्ट से भी जमानत अर्जी मंजूर। हमीरपुर में अराजक तत्वों ने मंदिर की मूर्ति तोड़ी, मूर्ति को अराजक तत्वों ने हथौड़े से तोड़कर किया खंडित, मूर्ति खंडित होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। कानपुर में टीटी को दो सिपाहियों ने जमकर पीटा, गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन के टीटी की पिटाई, सिपाहियों की पिटाई से टीटी को आई गंभीर चोटें। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे, मामूली विवाद के चलते हुआ था झगड़ा, मारपीट की सारी घटना मोबाइल में कैद। लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, लखनऊ के 1090 चौराहे से निकाली गई तिरंगा यात्रा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निकाली तिरंगा यात्रा। उत्तराखंड में 6 महीने में बनेगा विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा मंत्री ने कहा ऑनलाइन होगा विद्यालयों का निरीक्षण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भट्ट ने रुद्रपुर में निकाली तिरंगा यात्रा, हल्द्वानी भी आएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। केदारनाथ आपदा के साथ हर चुनौती के पहाड़ पर एनआईएम ने हासिल की फतेह, देश दुनिया को दिया नामचीन पर्वतारोही। रानीखेत के व्यक्ति से 60 लाख की ठगी करने वाला नाइजीरियन गिरफ्तार, एसटीएफ ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्र को स्कूल कॉलेज पर रखी जाएगी त्रिस्तरीय टास्क फोर्स, नशा तस्करों पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी जेल में बढ़ रही एचआईवी संक्रमितों की संख्या, वर्तमान में 40 पॉजिटिव कैदी हैं, क्षमता से 3 गुना अधिक। उत्तराखंड में बम धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। सावन में शिव के रंग में रंगी द्रोण नगरी, शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। यूके एसएससी पेपर लीक में आयोग की बड़ी लापरवाही, पेपर प्रिंटिंग और पैकिंग की वीडियो फुटेज गायब। वेलम गर्ल्स स्कूल में सीएम धामी बोले गौरवशाली, वैभवशाली और विश्व को नेतृत्व देने वाला है नया भारत। अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 अरब के रॉकेट और हथियार, निर्णायक लड़ाई की तैयारी में ज़ेलेंस्की। पूर्वी अफगानिस्तान में बम धमाका, मारा गया तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का टॉप कमांडर।
वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों से हुई मुठभेड़, 3 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों की मौत। ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों ने पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक के लिए किया हवन, जीत के लिए मांगी दुआ। पाकिस्तान में इमरान के करीबी को बिना नंबर की गाड़ी में उठा ले गई पुलिस, भड़के पूर्व पीएम। यूक्रेन नई हीट वेव के लिए तैयार, दक्षिणी और मध्य इंग्लैंड में लेवल 3 हीट हेल्थ अलर्ट जारी। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने विकासशील देशों को चेताया, कहा चीनी कर्ज लेने से पहले 2 बार सोचें। फिनलैंड स्वीडन की नाटो सदस्यता को औपचारिकता की मंजूरी, जो बाइडेन ने रेटिफिकेशन दस्तावेजों पर किए हस्ताक्षर। हैजा के प्रकोप से बाढ़ प्रभावित बलूचिस्तान में बिगड़े हालात, 2 बच्चों की हुई मौत। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए फिर खोला अपना खजाना, रूस का मुकाबला करने के लिए दी भारी रकम। लाइफ इंश्योरेंस लेने का बढ़ा रुझान, जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम जुलाई में 91% बढ़ा। लचर बैंकों और एनबीएफसी पर बढ़ी आरबीआई की सख्ती, 8 राज्य सरकारी बैंकों सहित 1 एनबीएफसी पर लगाया जुर्माना। जियो लेकर आया इंडिपेंडेंस ऑफर, इसमें फ्री कॉलिंग, डाटा और एसएमएस के साथ मिलेंगे 3000 के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, 250 रुपए महीने पड़ेगा प्लान। लॉर्ड्स में साथ दिखे अंबानी, पिचाई दी हैंड्रॉइड क्रिकेट लीग में निवेश के कयास, रिलायंस पहले से ही 3 T20 टीमों का है मालिक। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट, बिटकॉइन और इथेरियम गिरे, फिनफ्लो 150% उछला। स्कॉर्पियो क्लासिक्स 12 अगस्त को होगी लॉन्च, पहले की तरह ही रहेगा धासु डिजाइन। मार्च 2024 तक सभी टाउन में एयरटेल का 5G, सीईओ ने दिए पैक महंगे करने के संकेत, इस महीने लॉन्च होगी एयरटेल की 5G सर्विस। देश के सिर्फ 4 राज्य कर रहे हैं 60% से अधिक निर्यात, 10 राज्यों की एक्सपोर्ट में कोई हिस्सेदारी नहीं। गोल्ड ETFs को लेकर डगमगाया निवेशकों का विश्वास, जुलाई में 457 करोड़ रुपए की हुई निकासी। ट्रेनों की टाइमिंग और यात्रियों की सुरक्षा में रेलवे करेगा बड़े काम, नॉर्दर्न रेलवे GM ने अफसरों को दिए खास निर्देश। क्रिकेट जगत में शोक की लहर, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज की कार दुर्घटना में निधन। बोल्ट ने कीवी बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, स्कॉट्स के बाद ट्रेंट बोल्ट भी क्रिकेट के बेहद व्यस्त शेड्यूल से थे परेशान। लॉर्ड्स में साथ दिखे अंबानी, पिचाई दी हैंड्रेड क्रिकेट लीग में निवेश के कयास, रिलायंस पहले से ही 3 T20 टीमों का मालिक।
एशिया कप से पहले अफगानिस्तान की करारी हार, निचले रैंक वाली आयरिश टीम को मिली जीत। बर्मिंघम के बाद लंदन में भी फहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने जीता गोल्ड, ऑस्ट्रेलियाई तलवारबाज को हराया। एशिया कप क्वालिफायर्स का शेड्यूल आया सामने, विजेता का भारत से मुकाबला। भारत पाकिस्तान मैच से पहले पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा, अफरीदी से डरने की जरूरत नहीं। भारत के लिए खतरे की घंटी, चकावा ने 14 साल में जड़ा पहला शतक, मैदान में की छक्के चौके की बारिश। बाबर आजम का विश्व क्रिकेट में एक और हैरत भरा कारनामा, ऐसा कमाल करने वाले वर्तमान में इकलौता क्रिकेटर। रोहित शर्मा ने बताया, पहले से काफी कुछ बदल गया है, इस बार एशिया कप टी20 डब्ल्यूसी में दिखेगा आक्रामक अंदाज। तापसी पन्नू स्टारर मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिथु ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट सेलेक्ट पर होगी रिलीज। डेंगू से खराब हुई कंगना रनौत की हालत, इमरजेंसी की शूटिंग सेट से सामने आई तस्वीरें। नागा चैतन्य ने किया अपने टैटू को लेकर खुलासा, बोले ये मेरी और सामंथा की वेडिंग डेट मोर्स कोड में लिखी हुई है। सुष्मिता ने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट किया मां का बर्थडे, ललित मोदी संग रिलेशनशिप की खबरों के बीच रोहन मन शॉल के साथ पार्टी करती दिखी एक्ट्रेस। कुंडली भाग्य फेम धीरज धूपर के घर आया नन्ना मेहमान, पत्नी विनी अरोड़ा ने दिया बेबी बॉय को जन्म। खुशी कपूर ने दिखाया अपना नया अवतार द आर्चीज, स्टार के लुक पर फिदा हुई बहन शनाया कपूर। हर हर शंभू के बाद देशभक्ति में डूबी फरमानी नाज, भाईचारे का संदेश देते हुए पेश किया नया गाना हर घर तिरंगा। करीना कपूर ने किया आलिया भट्ट की तारीफ, बोली पिछले दशक की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं आलिया। चित्रांगदा सिंह ने सफेद साड़ी में ठाया कहर, कैमरे के सामने दिए किलर पोज। अनुराग कश्यप का बायकॉट कल्चर पर छलका दर्द, कहा हम अजीब दौर से गुजर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ हैशटैग बना हथियार। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।